खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है बेहतर स्वास्थ्य। देश के प्रत्येक नागरिक को जरूरत पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा कम खर्च में उसके क्षेत्र में ही हासिल हो सके, इसी उद्देश्य के साथ 15 वर्ष के अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी गई। नीति में विशेष जोर इस बात पर दिया गया कि सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सर्वव्यापी हो। आयुष्मान भारत इस दिशा में एक अभूतपूर्व पहल है। आयुष्मान भारत के दो स्तंभों में पहला स्तंभ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। इस मिशन के तहत कमजोर व गरीब वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा से 10 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। हितग्राही परिवार आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हकदार होंगे। देश की 40% से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। आयुष्मान भारत का दूसरा स्तंभ है प्रधानमंत्री हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देश की हर बड़ी पंचायत में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। और अब बात मिशन इंद्रधनुष की। मिशन इंद्रधनुष की गति को तेज करने और वर्ष 2018 के दिसंबर माह तक कम से कम 90% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.15 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया। 80.58 लाख बच्चे टीकाकरण के कारण रोगों से प्रतिरक्षित हुए। 80.63 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिरक्षित हुई। 5 नए वैक्सीन ने किया गंभीर रोगों पर प्रहार। विभिन्न रोगों पर पूर्ण नियंत्रण और उन्मूलन के मकसद से विकसित किए गए 5 नए वैक्सीन केंद्र सरकार की विशेष उपलब्धि हैं। विभिन्न कारणों से देश के लाखों लोग डायलिसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम गरीब वर्ग के लिए निशुल्क डायलिसिस और सभी के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। 497 डायलिसिस सेंटर्स में 3,330 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। 22,84,000 डायलिसिस सेशन से 2,38,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु की राह पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक अभूतपूर्व पहल है। अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की एंटीनेटल जांच की जाती है। देश भर के 12,900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1.16 करोड़ से अधिक एंटीनेटल जांच की गई है और 6 लाख से अधिक गंभीर स्थिति वाली गर्भवतियों की पहचान व इलाज किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 22 राज्यों में 134 अमृत दीनदयाल फार्मेसीज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। 5,200 से अधिक दवाइयां और मेडिकल सामान सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। 67.29 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। अब तक लगभग 650 करोड़ की दवाइयां लगभग 300 करोड़ में वितरित की गई, जिससे हितग्राहियों को लगभग 350 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसी क्रम में फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव के तहत निशुल्क दवाइयों का वितरण और चिकित्सीय जांच सेवाएं देश के 29 राज्यों में संचालित की जा रही हैं। विगत 4 वर्षों में लगभग 14,000 करोड़ की दवाएं निशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सीय संतुलन बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कैबिनेट द्वारा विभिन्न प्रदेशों में 8 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। विगत 4 वर्षों में 92 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, जिससे 15,354 MBBS सीट्स बढ़ी हैं। PG सीट्स की संख्या में 12,646 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। 2,000 DNB सीट्स की बढ़ोतरी हुई है।
देश भर में मेडिकल परीक्षाओं की समरूपता के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। और अब बात क्षय रोग यानी टीबी की। प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत। लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा बेहतर जांच एवं दवा व्यवस्था की गई है। 4 लाख डॉट सेंटर्स में टीबी का इलाज दवाओं से हो रहा है। 14,000 से अधिक माइक्रोस्कोपी केंद्र स्थापित किए गए हैं। टीबी की तीव्र जांच के लिए उपलब्ध कराई गई सीबी नॉट की 1135 मशीनें सुचारू रूप से काम कर रही हैं। देश के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में सीबी नॉट की मशीनें उपलब्ध हैं। टीबी के इलाज के लिए नई दवाएं दी जा रही हैं। टीबी के मरीज को 500 रुपए प्रति माह की राशि बेहतर पोषक आहार के लिए दी जा रही है। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने और मनोरोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का प्रावधान किया गया है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एड्स से संबंधित अभियान टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी के दौरान सभी संभावित मरीजों का एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट किया गया और मात्र 8 माह में 1 लाख अतिरिक्त एचआईवी संक्रमित लोगों की पहचान की गई। 11.75 लाख एचआईवी संक्रमित लोगों का ERV ट्रीटमेंट किया गया। 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं का एचआईवी टेस्ट किया गया ताकि माँ से शिशु में एचआईवी का संक्रमण रोका जा सके। एड्स फ्री इंडिया की परिकल्पना 2017 से 24 के लिए की गई। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली को स्पष्ट, सुदृढ़ और प्राथमिकता पूर्ण बनाया जाए। परिणाम उत्साहजनक हैं।